गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ माइग्रेशन. ठीक है, एज यू ऑल फैमिलियर विद दिस वर्ड माइग्रेशन, आप सबको पता है इस वर्ड के बारे में, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट अ स्मॉल पोर्शन, वी हैव रेड अबाउट दिस वर्ड इन द प्रीवियस चैप्टर, है ना. पॉपुलेशन डायनेमिक्स चैप्टर में भी हमने माइग्रेशन के बारे में पढ़ा था कि कैसे पॉपुलेशन डिक्रीज और इंक्रीज हो जाती है, उसके क्या क्या रीजंस होते हैं, उसके क्या फैक्टर्स होते हैं पॉपुलेशन चेंज के. उसमें एक फैक्टर पॉपुलेशन चेंज का था माइग्रेशन. अब माइग्रेशन एज अ होल चैप्टर आज से हम लोग इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, नाउ इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न द रीजंस दैट लीड टू चेंजेस इन द पॉपुलेशन. इससे पहले वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, हमने क्या लर्न किया था कि कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन में चेंजेस आते हैं. वन ऑफ द रीजंस फॉर दिस चेंज इज़ माइग्रेशन, और उसमें से एक रीज़न क्या था चेंज का, माइग्रेशन. जैसे क्यों पॉपुलेशन बढ़ती और घटती रहती है, उसका एक रीज़न क्या था आपका, माइग्रेशन. नाउ व्हाट इज़ ह्यूमन माइग्रेशन. Human migration is a universal phenomenon. It is a process through which people move from a permanent place of residence to another more or less permanent place for a substantial period of time. Human migration क्या होता है? Human migration वो migration होता है, ये हमारा एक universal phenomenon है. Universal मतलब पूरे world में ये लागू होता है, मतलब पूरे वर्ल्ड में ये चीज़ फॉलो की जाती है. इट इज़ अ प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पीपल मूव फ्रॉम अ परमानेंट प्लेस ऑफ रेजिडेंस टू अनदर और अनदर मोर और लेस परमानेंट प्लेस ऑफ अ फॉर अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम. एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जब लोग एक प्लेस से, एक परमानेंट प्लेस से जहाँ पर वो रहते हैं उस जगह से दूसरी जगह, दूसरी परमानेंट प्लेस पे रहने चले जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन माइग्रेशन. माइग्रेशन कैन बी इंटरनेशनल, ये इंटरनेशनल भी हो सकता है. इंटरनेशनल मतलब रेफरिंग टू मूवमेंट बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, जब कंट्रीज़ के बीच में मूवमेंट होता है तो वो इंटरनेशनल माइग्रेशन कहलाता है. मतलब माइग्रेशन कैन बी इंटरनेशनली भी हो सकता है. कब होता है, जब कंट्रीज़ के बीच, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाया जाता है तब वो इंटरनेशनल माइग्रेशन कहलाता है. और इंटरनल दूसरा होता है, इंटरनल माइग्रेशन referring to a movement within a country, often from rural to urban areas. Internal क्या होता है, जब एक ही country के अंदर एक जगह से, एक suppose rural areas से urban areas में movement हो रहा है तो उसको internal migration के अंदर आपका आता है. जब suppose अगर बहुत से लोग village areas से city areas में आते हैं, यानी कि rural areas से urban areas में आते हैं अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए या अर्निंग करने के लिए, तो वो हमारा कहलाता है इंटरनल माइग्रेशन. माइग्रेशन इज़ नॉट अ न्यू थिंग. माइग्रेशन कोई बहुत नई चीज़ नहीं है जो अभी से स्टार्ट हुई है. हिस्टोरिकली अगर हम अपना इतिहास देखें तो पीपल हैव ऑलवेज हैड माइग्रेटरी लाइफस्टाइल्स. पीपल का हमें, जो लोग होते हैं उनका हमेशा कैसा लाइफस्टाइल रहता था, माइग्रेटरी. माइग्रेटरी मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहना. There is a historical evidence stating that people have moved from far away places to inhabit new areas. पहले के अगर एविडेंस देखे जाए, हिस्टोरिकल एविडेंस मतलब हिस्ट्री में हमारा अगर देखा जाए तो ये देखा गया है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत दूर से have moved from far away places to inhabit new areas. मतलब बहुत दूर दूर से आकर नई एरियाज में आकर बस जाते हैं. इनहैबिट मतलब किसी एक पर्टिकुलर जगह पे आकर बस जाना, अपने मतलब अपना पूरा सामान, अपनी सारी गृहस्थी लेकर एक जगह आकर अपना आप कह सकते हैं रहने लगना और वहीं से अपनी अपना जीवन चलाने लगना. फॉर एग्ज़ाम्पल माइग्रेंट्स फ्रॉम एशिया एंडेड अप इन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम by a land bridge over the Bering Strait.
जब जो आपके जो माइग्रेंट्स थे एक टाइम हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो एशिया के बहुत सारे लोग माइग्रेंट्स फ्रॉम एशिया वो कहाँ पर चले गए थे, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में जाकर बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए एशिया से बहुत सारे लोग नॉर्थ और साउथ अमेरिका में जाकर बस गए थे। और किसके थ्रू गए थे वो, वाया लैंड ब्रिज, जो एक लैंड ब्रिज बना हुआ था, यानी कि एक जो ब्रिज पूरा फ्लाईओवर बना हुआ था ओवर द बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट के ऊपर एक जो ब्रिज बना हुआ था उसके थ्रू वो लोग एशिया से नॉर्थ और साउथ अमेरिका गए थे। देर हैव बीन सेवरल लार्ज स्केल मूवमेंट्स ऑफ पीपल इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमंस, ऑल ऑफ विच वर कॉज्ड बाय सम स्पेसिफिक इवेंट्स ड्यूरिंग दोज टाइम्स। और बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स, बहुत बड़े बड़े स्केल पे मूवमेंट्स हुए हैं लोगों के, अगर हम हिस्ट्री में देखेंगे तो लोगों के बहुत बड़े बड़े स्केल पे मूवमेंट्स हुए हैं। ऐसा नहीं कि थोड़े लोग गए हों, बहुत ज़्यादा ज़्यादा पॉपुलेशन एक साथ एक कंट्री से दूसरी कंट्री गई हुई है। और उसके भी कुछ अलग स्पेसिफिक रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वो लोग उस टाइम पे माइग्रेट करते थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। इन मोर रीसेंट पीरियड सच एज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ओवर 50 मिलियन पीपल लेफ्ट यूरोप फॉर द यूएसए, कैनेडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। अभी हम रिसेंटली अगर देखेंगे तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या था, जब एक बहुत सारी इंडस्ट्रीज फॉर्म करी गई थी तो बहुत सारे ओवर 50 मिलियन पीपल लेफ्ट यूरोप फॉर द यूएसए। तो यूरोप से 50 मिलियन पीपल यूएसए, कनाडा और अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका के लिए चले गए थे। मैनी ऑफ देम लेफ्ट टू एस्केप द पॉवर्टी एंड पीरियोडिक क्रॉप फेलियर्स इन यूरोप। और यूरोप में बहुत ज़्यादा क्रॉप फेलियर, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी हो गई थी, इसकी वजह से वहाँ से अपना उस जगह को छोड़ के वो लोग ऐसी जगह चले गए थे जहाँ पर उन्हें काम मिल रहा था। जैसे कि उसमें कौन कौन सी कंट्रीज थी, यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। पीपल हु माइग्रेट आर कॉल्ड माइग्रेंट्स। जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मतलब जो माइग्रेशन करते हैं, वो लोग क्या कहलाते हैं, पीपल जो लोग होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, माइग्रेंट्स, उनको क्या बोला जाता है, माइग्रेंट्स। मोर पीपल आर माइग्रेटिंग टुडे दैन एट एनी अदर पॉइंट इन ह्यूमन हिस्ट्री। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, आजकल एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे हैं, एक पॉइंट से दूसरी जगह जाने लगे हैं। ये एक हमारी हिस्ट्री में ये एक चलन सा बना हुआ है। माइग्रेंट्स ट्रैवल इन मैनी डिफरेंट वेज एंड फॉर मैनी डिफरेंट रीजन। जो माइग्रेंट्स होते हैं वो बहुत अलग अलग तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बहुत अलग तरीके से और बहुत अलग रीज़न से। बहुत सारे ऐसे रीजन्स होते हैं जिसकी वजह से उन्हें माइग्रेट करना पड़ता है। पीपल मूव इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, टू गिव देयर चिल्ड्रन बेटर अपॉर्चुनिटीज और टू एस्केप फ्रॉम पॉवर्टी, कॉन्फ्लिक्ट एंड फैमिली। पीपल क्यों मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि उनको अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको अच्छा करना होता है। स्टैंडर्ड मतलब रहने का तरीका चेंज करना होता है और अच्छा करना होता है, अपने चिल्ड्रन अपने बच्चों को बेटर अपॉर्चुनिटीज़ देनी होती हैं ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर सके, और टू एस्केप फ्रॉम पॉवर्टी, कॉन्फ्लिक्ट एंड फैमिली, और अपने फैमिली को पॉवर्टी मतलब गरीबी, और अगर कोई लड़ाई हो रही है कहीं पे उससे, या फिर भुखमरी मतलब अगर कहीं पे फूड की शॉर्टेज है तो उससे भी बचने के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होते हैं। टुडे वी विद मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन मोर पीपल आर मोटिवेटेड एंड एबल टू मूव। और आज के ज़माने में बहुत अच्छे अच्छे ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन हो गए हैं जिसकी वजह से लोग और भी मोटिवेट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ट्रांसपोर्टेशन समझते हैं ना सब लोग, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने का जरिया, और कम्युनिकेशन क्या हो गया, कैसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं सब। फॉर एग्जाम्पल टीवी,
आपका टीवी बताता है कि इस जगह ये चीज़ अवेलेबल है, मोबाइल लोग आपस में बात करके पता कर पाते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर अच्छी मिल रही है, तो उसकी हेल्प से वो एक जगह से दूसरी जगह जाना पसंद करते हैं और मोटिवेट होते हैं जाने के लिए। माइग्रेंट्स हैव बीन एसेंशियल टू द डेवलपमेंट ऑफ मैनी मॉडर्न स्टेट्स, हैव शेप्ड लेबर डायनेमिक्स अराउंड द ग्लोब एंड हैव बीन अ कॉर्नर स्टोन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। माइग्रेंट्स क्या होते हैं? माइग्रेंट्स हैव बीन एसेंशियल टू द डेवलपमेंट ऑफ मैनी मॉडर्न स्टेट्स। बहुत से मॉडर्न जो हमारे स्टेट्स हैं, मतलब जहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ लोगों को मिलती हैं, वहाँ पर जो माइग्रेंट्स होते हैं वो डेवलपमेंट लेके आते हैं, क्योंकि ज़्यादा लेबर जहाँ पर होगी वहाँ पर क्या होगा, लोग ज़्यादा काम करेंगे तो वहाँ पर जो स्टेट्स होंगे और डेवलप करेंगे। उससे क्या होता है, हैव शेप्ड लेबर डायनेमिक्स अराउंड द ग्लोब, और उससे क्या होता है, जो लेबर की डायनेमिक्स है पूरे ग्लोब के चारों तरफ वो क्या हो जाती है, बहुत अच्छी होने लगती है। एंड हैव बीन अ कॉर्नर स्टोन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, और जो हमारी ग्लोबल की, जो हमारी मतलब पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो एक अच्छी, आप कह सकते हैं कॉर्नर स्टोन, मतलब एक बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आती है जब वहाँ पर लोग आकर काम करते हैं और इन कंट्री को या सिटी को डेवलप करते हैं। ओके क्लास, अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। थैंक यू क्लास।